दोस्तों, टीवी इंडस्ट्री की दुनिया में हमें कई सारे रोमांटिक ड्रामा शोज, सास बहू सस्पेंस से भरे भरपूर शोज देखने को मिलते हैं, लेकिन जब बात आती है सुपर नेचुरल शोज की तो वह सभी सीरियल्स फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि सुपर नेचुरल शो दिव्य शक्ति मायावी जाल पर टिके होते हैं, जिसमें अक्सर कुछ ना कुछ सस्पेंस छिपा रहता है, जिसे देखकर न सिर्फ दर्शकों को इंटरेस्ट आता है बल्कि उन सीरियल्स में काम करने वाले अभिनेता भी काफी फेमस हो जाते हैं। लेकिन आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि जहां कुछ अभिनेता सुपर नेचुरल शोज में काम करके फेमस हो चुके हैं, तो भाई दूसरी तरफ टीवी इंडस्ट्री के कई सारे ऐसे अभिनेता मौजूद हैं जिन्हें सुपरनैचुरल शोज में काम करने का मौका नहीं मिला है। इसलिए आज वो सभी सुपरनैचुरल शोज में काम करने के लिए काफी ज्यादा तरस रहे हैं। तो आखिरकार कौन से हैं वो अभिनेता जिन्हें ना मिला अभी तक सुपरनैचुरल शो में काम करने का मौका, जिसके चलते अभी वो तरस रहे हैं। तो आइए जानते हैं वन बाय वन करके उन्हीं अभिनेताओं के बारे में। नंबर एक, नामिश तनेजा। स्वरागिनी सीरियल में लक्ष्य का किरदार निभाकर मशहूर हुए अभिनेता नामिश तनेजा का नाम है, जो कि सुपर नेचुरल शो में काम करने के लिए तरस रहे हैं, जिसके पीछे क्या असली कारण ये है कि इन्हें आज तक भी टीवी के कई सारे सीरियल्स में काम करने का मौका तो मिला, लेकिन सुपर नेचुरल शो में काम करने का इन्हें अभी तक भी सौभाग्य नहीं मिला है। इसीलिए तो ये हमेशा ही प्रोड्यूसर से यही गुहार लगाते हैं कि इन्हें कभी ना कभी ये मौका जरूर मिलना चाहिए। नंबर दो, वरुण कपूर। नामिश तनेजा के साथ स्वरागिनी सीरियल में संस्कार का किरदार निभाकर मशहूर हुए अभिनेता वरुण कपूर का भी नाम इसी लिस्ट में दूसरे नंबर पर शुमार है, जिन्हें आज तक भी सुपर नेचुरल शो में काम करने का मौका नहीं मिला है। तभी तो सुपर नेचुरल शो में काम करने की तमन्ना ये अपने कई बार इंटरव्यूज में भी जाहिर कर चुके हैं। नंबर तीन, कंवर ढिल्लो। अभिनेता कंवर ढिल्लो वही हैं जिन्हें आप सभी इन दिनों स्टार प्लस के पॉपुलर शो पांड्या स्टोर में शिवा की भूमिका निभाते हुए देख रहे होंगे, जिन्हें इस शो में काम करने में काफी ज्यादा मजा तो आ रहा है। लेकिन आपको बताते चले कि जब से इन्होंने नागिन फ्रेंचाइजी देखी है, तब से तो ये सुपरनैचुरल शो में काम करने के लिए बेचैन हो उठे हैं, क्योंकि इनका मानना है कि जो एक्टर सुपरनैचुरल शो में काम करता है उसकी तो लाइफ सेटल हो जाती है। नंबर चार, जैन इमाम। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर अभिनेता जैन इमाम का नाम भी शामिल होता है, जो कि सुपरनैचुरल शो में काम करने के लिए तरसते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्हें सुपरनैचुरल शो में काम करने का मौका नहीं मिला, बल्कि इन्हें मिला था एक बार काम करने का मौका, लेकिन इन्होंने वो शो ठुकरा दिया था और उसके बाद वो शो काफी फेमस हो गया था, जिसके चलते आज भी इनकी यही तमन्ना खत्म नहीं हुई है। नंबर पाँच, धीरज धूपर। टीवी के कई सारे शोज में रोमांटिक किरदार निभाकर मशहूर हुए अभिनेता धीरज धूपर का नाम इसी लिस्ट में शुमार होता है, जो कि सुपरनैचुरल शो में काम करने के लिए तरसते हैं। जी हाँ, यूं तो इन्हें नागिन सीजन 5 सीरियल में चिल का किरदार निभाते हुए देखा गया था, जो कि कैमियो रोल में नजर आए थे, लेकिन एक कैमियो रोल होने के चलते धीरज धूपर इस शो में कुछ ही दिनों तक टिके रहे, जिसके चलते आज भी धीरज धूपर इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनने के लिए बेकरार हैं। नंबर छः, शाहिर शेख। टीवी के मल्टी टैलेंटेड और हैंडसम अभिनेता शाहिर शेख ने टीवी इंडस्ट्री के कई सारे सीरियल्स में अपने अलग अलग किरदार से दर्शकों का मन मोहा है, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है कि शाहिर शेख को किसी भी सुपरनैचुरल शो में काम करने का मौका नहीं मिला, जिसका बयान इन्होंने खुद ही अपने एक इंटरव्यू के दौरान दिया था कि जब ये इंडस्ट्री में पैर जमाने आए थे, तब से ही इनके दिल में सुपरनैचुरल शो को करने की इच्छा जाग गई थी, लेकिन अफसोस अब तक इन्हें ये सुनहरा मौका नहीं मिल पाया। नंबर सात, अर्जुन तनेजा। कुमकुम भाग्य शो में पूरब का किरदार निभाकर मशहूर हुए अभिनेता अर्जुन तनेजा भी हमारी इसी लिस्ट में शामिल होते हैं, जो कि सुपरनैचुरल शो में काम करने के लिए तरस रहे हैं। जी आपको बता दें कि जब नागिन सीजन 3 के ऑडिशन चल रहे थे तो अर्जुन तनेजा भी ऑडिशन देने के लिए गए थे, लेकिन अफसोस अर्जुन तनेजा रिजेक्ट हो गए, लेकिन पर्ल भी पूरी को इस शो में काम करने का सौभाग्य मिला, इसलिए तो अभिनेता अर्जुन तनेजा का मूड ऑफ हो गया था। नंबर आठ, सहबा नजीम। तुझसे है रापता सीरियल में इंस्पेक्टर का किरदार निभाने वाले मल्हार रानी की भूमिका निभाते दिख रही हैं। अभिनेता सहबान अजीम भी इस लिस्ट में शामिल होते हैं। सुपरनैचुरल शो में काम करने की बहुत बड़ी ख्वाहिश है, तभी तो जब ब्रह्म राक्षस सीरियल टीवी पर ऑन एयर हो रहा था तो वह सहबान अजीम ऑडिशन देने के लिए भी आए थे, लेकिन ये पहले ही राउंड में फेल हो गए, लेकिन इन्होंने कभी भी बुरा नहीं माना और प्रयास करते चले गए। हालांकि अभी तक तो इन्हें ये सौभाग्य नहीं मिल पाया, लेकिन इनके डेडिकेशन को देखते हुए लगता है कि इन्हें ये सौभाग्य जल्द ही मिलेगा। नंबर नौ, अविनाश मुखर्जी। बालिका वधु सीरियल में काम करने के बाद मशहूर हुए अभिनेता अविनाश मुखर्जी इन दिनों ससुराल सिमर का सीजन 2 में मुख्य अभिनेता के तौर पर देखे जा रहे हैं, लेकिन शायद ही आपको इस बात पर यकीन होगा कि आज तक अविनाश मुखर्जी को भी सुपरनैचुरल शो में काम करने का मौका नहीं मिल पाया। तभी तो ये सुपरनैचुरल शो में एक बार काम करना चाहते हैं, भले ही इन्हें कैमियो रोल ही क्यों ना दिया जाए।
नंबर 10 मोहसिन खान। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में एक नाम शामिल होता है मोहसिन खान का, जिन्हें आप सभी ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में कार्तिक गोयंका के किरदार निभाते हुए देख रहे होंगे। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं दोस्तों कि आपने कार्तिक वाले किरदार से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता मोहसिन खान सुपरनेचुरल शो में काम करने के लिए बेचैन हो उठे हैं, जिसके बारे में इन्होंने खुद ही हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि ये हमेशा ही एक पारिवारिक ड्रामा शोज और रोमांटिक ड्रामा शोज में काम कर चुके आए हैं, लेकिन आज तक सुपरनैचुरल शो में काम करने का मौका नहीं मिला, इसलिए ये इन शोज में काम करके एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप इन अभिनेताओं में से किस अभिनेता को सुपरनैचुरल शो में देखना चाहते हैं, आप हमें उनका नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।